आप जिस लड़की से शादी करने वाले उसका नाम क्यों नहीं बताया, बट फाइनली गाइस आज के इस व्लॉग में ना मैं उस लड़की की शक्ल दिखाने वाला हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस आज इस व्लॉग की शुरुआत में मेरे पास एक बहुत अमेजिंग और गुड न्यूज़ है। बहुत टाइम से ना ब्रोसेना के मेंबर्स ये बोल रहे थे कि बाबू भैया भाभी ले आओ, आप शादी कर लो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने ना ये चीज़ ना बहुत टाइम से ना बचा के रखी थी, मैंने ये चीज़ रिवील नहीं करी थी आज तक। हाँ, एक लड़की थी गाइस जो फाइनली मुझे ऐसा लगा उसके साथ टाइम स्पेंड करके कि वो मेरा ध्यान रख सकती है, वो मेरे परिवार का ध्यान रख सकती है, बट मैंने ये चीज़ रिवील नहीं करी। आई नो ये चीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है कि बाबू भैया आपने इतनी बड़ी चीज़ रिवील क्यों नहीं करी, आप जिस लड़की से शादी करने वाले हो उसका नाम क्यों नहीं बताया। लोगों को शक तो था बट मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था गाइज। बट फाइनली गाइज आज के इस व्लॉग में ना मैं उस लड़की की शक्ल दिखाने वाला हूँ जिसपे मेरे को भरोसा है कि हाँ यार वो जिंदगी भर मेरा साथ निभा सकती है, वो जिंदगी भर मेरे परिवार का ध्यान रख सकती है। एंड एट लास्ट मेरे को केवल ऐसी लड़की चाहिए थी गाइज जो ये सब कर सके। बट आप लोगों से रिवील करने से पहले ना मैं मम्मी को बता देता हूँ कि वो लड़की कौन है। भाभी मिल गई, अब तो खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अपने घर चली जाओ तुम। ठीक है, ओके, उसे तो बुला लो पहले। गाइस पहले मम्मी को बुलाते हैं और फिर मम्मी को फोटो दिखाते हैं और उसके बाद आपको मैं रिवील करता हूँ गाइस उस लड़की की फोटो। मम्मा इधर आओ, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई। भैया के लिए रिश्ता, एक लड़की बहुत पसंद। आप बोल रहे थे ना मेरे को कि कोई लड़की है तो बता दे उससे शादी करने के लिए। बात तो पापा ने तो बोला था। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, आओ जल्दी आओ, यहाँ बैठो, पहले बेड के ऊपर बैठो। अरे बेड के ऊपर बैठो, दो मिनट जल्दी, आपके घर की बहू दिख रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ ऊपर बैठो, मैं उधर इधर उधर दिखेगी नहीं। शौक मत हो जाना, लेकिन ये लड़की फाइनल कर दी मम्मी हम लोगों ने। रिश्ता मंजूर, अब ये मेरे को भी खाना खिलाएगी और आपको भी खाना खिलाएगी। आंटी देखो, आंटी वो देखो। ये देखो गाइस आपकी भाभी मिल चुकी है। अब इस लड़की को मैं ढूंढता हूँ गाइस और ये मेरे को ऐसी जिंदगी भर खाना खिलाएगी। सो गाइस कैमरे में देख करके हाथ हिला दे, आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है। चेक दिस आउट, हम लोग ना एक मॉल में गए थे गाइस एंड वहां पर हम लोगों को ये लड़की मिली थी फोटो खिंचाते हुए। बस अब इस लड़की को, भव्य इस लड़की को ढूंढना शुरू कर दो। ठीक है, सही है। क्या मत, इसके हाथ में गाइस आइसक्रीम भी है और इसके दो दो है, दो दो आइसक्रीम भी खिलाएगी। फिलहाल गाइज आज के इस व्लॉग की शुरुआत बहुत अमेजिंग हुई है। द थिंग इज गाइज आज का ये व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज से ना हमारी H2 की मॉडिफिकेशन होने वाली है। एट द सेम टाइम गाइज सुबह ना एको घर में आ चुकी है, तो आज के इस व्लॉग का जो फ्रेम होगा ना वो बहुत अमेजिंग होगा बिकॉज एको, H2, हायाबूसा, BMW, BMW 310 और हमारी प्यारी KTM RC 200 सारी गाड़ियां घर में खड़ी हैं। बस जी टी वी बस थार रह गई, एक गाड़ी घर पे नहीं है, तो शाम को हम लोग थार भी लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी बस एडिट करते हैं गाइज बिकॉज आई रियली वॉन्ट इट टू बी डिलेड। सो फटाफट फटाफट तैयार होकर के मिलते हैं और फिर बाद में आपको दिखाता हूँ H2 को। सो गाइज आज का ये व्लॉग बहुत अमेजिंग हो रहा है, मैं जैसे भी तैयार ही हुआ था। और चेक दिस आउट गाइस, जूली और सैंडी को चिल्ला रहे हैं। हां भाई कौन आ रखा है, कौन है, कौन है जूलू, कौन आ रखा है? चलो चलो, ओ भाई कौन आ रखा गाइस, कौन आ गया हमारे घर में, कौन है जूलू, कौन लोग आ गए यार। कौन आया सैंडी, कौन है ये, तो लोग आ रखे हमारे घर में। अच्छा बोलो बोलो बोलो, क्या बात, क्या बात, क्या बात, कैसे खुश हो जाते भाई। Guys, check this out. Finally, पापा इतने दिन बाद पहुंचे एंड जूली और सैंडी आर एक्साइटेड मोर देन एवर। भाई मैं तो जस्ट अभी तैयार हो ही रहा था, मैंने देखा कि कार आ रही है एंड देन आई केम टू नो कि पापा घर आ चुके हैं। चलो तेरे पापा की तरफ पिटाई करूं, पिटाई कर दे, ओ पिटाई कर दे। क्या शिकायत है, अबे शिकायत कर रहा है। गाइस ये देखो भाई बेकरी के बिस्कुट, 10 रुपए के बिस्कुट खिला रहे ने। दो इंजेक्शन भी लगेगा उसके।
दो इंजेक्शन लगे इसके अंदर। सो गाइस पापा पहुंच चुके हैं घर, मम्मी ने तो H2 देख लिए, बैठ भी गई। हाँ भाई देख लो पापा आपसे पहले बैठ गए, हम बाद में ही बैठेंगे। आप बोल रहे थे ना मैं H2 बैठूंगा, मम्मी के पैर तो पूरे फिट आ गए थे ना, फिट आ रही थी, कभी मैं पकड़ाता बैठ गया ना मैं खुद पैर। तो गाइस फाइनली पापा को हम लोग H2 दिखाने वाले। कहां छोड़ दो पापा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, कहीं नहीं गिरता। अच्छा जुलू भाई खुश हो गया, जुलू भाई खुश हो गया। मैं तो हैरान उसी के लिए बजाता हूँ, चमचमा तो रही है। चेक करो पापा, दिस इज आवर H2, वहां से BMW आ रही है। BMW RX 100 है पापा। नहीं नहीं BMW। कैसी लग रही है पापा? पापा गिराना मत, गिराना मत, गिराना मत, बहुत भारी है पापा वो। अगर हिला दोगे 200 रुपए दूंगा पापा। पापा गिराना मत, ये ऑपोजिट गिरेगी H2 पे। हाँ भाई चमचमा तो रही है, मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। उठा रहे हो? भव्या इधर आना एक सेकेंड, रुको पापा पहले भव्या को बुला लो, एक सेकेंड जो पापा बहुत भारी है वो। हाँ भव्या पापा का पैर फंस गया, पापा का पैर फंस गया, पापा कार्बन फाइबर लगा है बाइक पे, कार्बन से फंस रहा है ना। हमारी एचडी दिखाइए, कल तो हम बैठ गए तब इनको बैठाइए। इसमें ना कार्बन में पैर फंस रहा है, ठीक है वहां बैठ रहा है, इससे हम सूरदास लगते हैं। ओ भाई खतरनाक पापा, अब तो H2, अब तो H2 पे बस आप ही दिखोगे इससे। एक स्टैंड इसका, डबल स्टैंड, डबल स्टैंड नहीं, मेरे पैर में भी एक स्टैंड लगाओ। भव्य पैर ना, भव्य नहीं, ये टेढ़ी लगा रखी है पापा, टेढ़ी लगा रखी, पैर रखो ये देखो पापा, इस पे नहीं पहुंचेंगे पैर, लेकिन रुको मैं हल्का सा नीचे कर रहा हूँ, पकड़ लोगे ना, पकड़ लोगे ना, इधर से रखो ना पैर, इधर उधर से छोड़ दो, इस साइड से पैर रखो, उधर से छोड़ दो। रुक जा, नहीं 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 गिर जाएगी, अरे नहीं गिरेगी, बस रख दिया, रुक जा रुक जा, पकड़ रखिए। गाइस चेक दिस आउट, पापा फाइनली बैठ चुके हैं H2 में, थाम रखिए पापा, थाम रखिए। अब मेरे दोनों पैर ऊपर आ गए, अब पापा दोनों पैर ऊपर है ना, हाथ छोड़ के चलाऊं? चालान काट रही है देहरादून पुलिस। गाइस देहरादून पुलिस ना 3-3 लाख रुपए का चालान काट रही है, 5 लाख। तो देहरादून पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि जितने भी लोग ऐसे रेव और स्टंट कर रहे हैं उनके 3-3 लाख रुपए के चालान कट रहे हैं। पता है आपको, मैंने तो न्यूज में पढ़ा, वो न्यूज मैंने पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन वो 30 से नीचे वालों काट रहे हैं। जैसे मैं जब मैं मारता हूँ रैप ना बाजार में स्टंट, चेक दिस आउट, पापा फुल पावर बैठे हुए हैं, एंड उतर जाओ पापा, अगर गिर गई ना तो कार्बन फाइबर भाई, इसको स्टैंड में लगाओ ये वाला। हाँ, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, सही लग रही है पापा, ये देखो पापा आगे से, ये एंड है पापा, ये एंड बाइक है, इसके बाद कोई बाइक नहीं है दुनिया में पावर के लिए। अब ब्लॉग में क्या बोल रहा था कि एक और अभी इसके बाद, वो नहीं नहीं बाइक तो खत्म हो गई, अब कुछ नहीं। मैंने इसका आशीर्वाद भी दे दिया। ये देखो ना गाइस, ये देखो H2 BMW एको, मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि एको भी घर पे आ चुके, फिर हायाबूसा, फिर KTM और लास्ट में हमारी खड़ी हुई है BMW ऑलमोस्ट। और इन सबको लाने वाली मेरी वाली कहाँ गई? हाँ पापा आपकी भी है, वो किंग तो वही है ना, ये सारी बाइक्स गाइस, कभी सोचा नहीं था कि गैराज पे खड़ी होंगी, बट आज सारी बाइक घर पे खड़ी कर रखी है। तो लौंडों के पैर तो पहुंच रहे हैं, थोड़ा ऊपर पहुंचना चाहिए ना लौंडों के पैर। हमारा सैंडी आराम से ये ना ऑपोजिट पे खड़ी होकर के बहुत ऑफर है, गलत लगा रखी ना। अरे पापा कल तो फिक्स कर रहे थे कौन सा चीज कहाँ करना है। सो गाइस फाइनली पापा इज हियर, एंड द थिंग इज मैं जस्ट अभी पहले पहले सैंडी की बात क्या करानी है, ये ब्लॉग के टाइम इतना चिल्लाती है ना, ऐसे नहीं चिल्लाएगी, खुश होगी देखो जूलू चिड़ कितना, ये देखो। अब देखो एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को, जूलू को, जूलू ये सैंडी और जूलू ना पापा के साथ ही रहते गाइस, हमें तो भूल जाते हैं। फिलहाल अभी का सीन मैं आप लोगों को बता दो गाइस, मैं जा रहा हूँ रोयल आर्ट्स, बिकॉज H2 की मॉडिफिकेशन आज से शुरू होनी थी, एंड आई एम रियली हैप्पी पापा भी घर पे आ चुके हैं, तो मैंने अभी कपड़े पहन लिए, तब तक पापा आ गए थे बाहर। सो अभी मुंह मत धोते हैं गाइस और फिर मोटर ब्लॉक में स्विच करते हैं, H2 को स्टार्ट देते हैं और निकलते हैं। सो हेमलो जी फाइनली गाइस वी आर रेडी टू गो, एंड मैंने हेलमेट हेलमेट सब उठा लिया, फिलहाल अभी H2 को करते हैं गाइस कोल्ड स्टार्ट, बहुत जरूरी है। एंड मैं आपको एक डैमेज दिखा देता हूँ H2 का जो मीटअप पे हो गया था, चेक दिस आउट गाइस, इसका जो ये वाला शीशा है ना ये टूट चुका है, तो मुझे ना इस पे कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, बिकॉज हाई स्पीड पे ना ये फिर इधर उधर फरकेगा। सो देखते हैं गाइस इसे कैसे एडजस्ट करते हैं, फिलहाल के लिए कोल्ड स्टार्ट करते हैं। कहाँ किस में जा रही हूँ, कहाँ के पहुंचेगी? हाँ ये वाला भव्य गिराना मत, सच्ची बता रहा हूँ आंटी, मैं इसमें जा रही हूँ, नहीं उससे तो हल्की मत करो, उतरो ठीक है बस, सच्ची में इतनी देर के लिए बैठने के लिए पैसे दिए थे।
गाइस चेक दिस आउट, फाइनली आज हम लोग H2 को रोड पे घुमाने वाले। फोन दो लुक एट दैट विसल। एंड अभी आ रही है UK 7 से पे रजिस्ट्रेशन होनी है, तो वी हैव टू लुक आउट फॉर द नंबर प्लेट टू। एंड मम्मी ने ना इसकी पूजा कर दी थी। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ना इसकी इंश्योरेंस नहीं हो रखी यार। एक्चुअली हम लोग ना इसकी जीरो डेप इंश्योरेंस कराने की सोच रहे हैं, बट द थिंग इज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कल ये बाइक आई, आज 26 जनवरी हो गया, तो फिर हम लोग इंश्योरेंस नहीं करा पाए इसकी। तो हम लोग कल इसकी इंश्योरेंस कराएंगे गाइस, बट मेरे को ना आराम से लेकर के जानी पड़ेगी, बिकॉज ये पहली बार देहरादून में चला रहा ना, सो हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर इट। यार इसका ये वाला शीशा ना बहुत ज़्यादा टूट गया भयंकर, ये फ्री होल्ड पे नहीं रहेगा यहाँ पर। थैंक यू भाई, चलो बाय 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 बाय। गाइस फाइनली हम लोग H2 लेकर के निकल चुके हैं। भाई क्या पावर है इसकी। मेरी दिल की धड़कन ऐसी दुक 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 हो रखी है ना। कसम से गाइस मेरी दिल की धड़कन बहुत ऊपर है। रुक के ना पहले एक ना चांद हो रहा हूँ। H2 की पावर डिलीवरी ना बहुत ऊपर है यार, बहुत ज्यादा ऊपर। इंटरेस्ट में ऐसी हालत खराब हो रही है ना इसको पावर अप करने में। चेन लगा लेता हूँ अपनी जैकेट की, थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ेगा, बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि मैं गिरूं कहीं पर और हाथ पैर टूटे। मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैंने ना ZX-NR पूरी कंज्यूम करी हुई है, बट H2 इज ऑन होल अनदर लेवल। इसकी जो पावर डिलीवरी है ना वो बहुत खतरा है, बहुत खतरा। गाइस मैंने ऐसे बहुत आराम से ही चलाने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क इट एनीथिंग। मैं आपको बता देता हूँ, H2 लेकर के ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आती है। यू कांट ओवर स्पीड एट ऑल, बिकॉज जितनी पावर है ना, पावर कंज्यूम करने में मज़ा तो आता है, बट ये रुकती नहीं यार, क्योंकि इसके अंदर जो पावर डिलीवरी है ना वो बहुत ज़्यादा है। बस गियर पुल चेक करो गाइस इसका, सेकेंड गियर में उठती है, मैं हैंग करी है। भाई छूट गया था एक्सेलेटर, यही बता रहा था गाइस इसमें ना बहुत पावर डिलीवरी है। मेरे से ना भाई एक्सेलेटर छूट गया था भाई, अगर ये छूट गया ना गाइस तो सच्ची में ये तो निकल जाएगी आगे पता नहीं कहाँ। H2 एक ऐसी मशीन है ना जो कावासाकी ने इतनी बुरी बनाई है ना भाई। गाइस ट्रस्ट मी, इसकी पावर डिलीवरी आप सोच भी नहीं सकते, वो पावर डिलीवरी है। अगर मैं ऐसे पीछे जा रहा हूँ ना, तो मैं ऑलरेडी 3-4 साल से सुपर बाइक चला रहा हूँ, एंड ZX-NR की पावर कंजप्शन, हायाबुसा की पावर कंजप्शन ऑलरेडी मैं खींच चुका हूँ पूरी, बट इस पर आप ऐसे करके एक्सीलेटर नहीं दे सकते चलते हुए, और ना ही आप इस पर रेस कर सकते हो, बिकॉज इतनी पावर को 2-व्हीलर में हैंडल करना इज़ अ बिग डील। आप इसे भगा सकते हो बट अपने रिस्क पर, ऐसे भगाओगे ना तो भाई, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि भाई रोड वाले एरियाज में तो मत ही भगाओ इसे। एक खाली रोड तो है गाइस, इसका फुल चेक करते हैं कितना भग सकती है। ये भगवान जी हमेशा साथ देना, देवता जी डोली जी।
ओ भाई गाइस, मैं बहुत नर्वस हूँ एंड अभी मैं ना थोड़ा स्लो ही चलाऊंगा इनिशियली बिकॉज मेरे को समझना पड़ रहा है इसका पावर अभी। देखो यार, मैं टोरे के लिए ना इसे भगा सकता हूँ अभी, बट मैं खुद ही चाहता हूँ यार कि मैं खुद सेफ रहूँ बिकॉज ये डेडली मशीन है। तो थोड़ा सा टाइम बिताएंगे इसके साथ, बट क्रेजी सीन्स गाइस, H2 के साथ क्रेजी सीन्स। फाइनली गाइस, हम लोगों ने H2 देहरादून U के साथ से चलाई ली गाइस, बल्ले बल्ले। इसकी विसल की साउंड सुन रहे हो, भैंस की टांग। पहला फ्यूल अप कराने वाला इसमें। तो यार H2 की टंकी ना बहुत छोटी है, केवल 800 रुपए का फ्यूल आया इसमें। भाई बहुत छोटी टंकी यार इसकी, मुझे फ्यूल अप ना हर 100-200 किलोमीटर पे करवाने पड़ेंगे एंड इसका एवरेज चेक करना पड़ेगा कि कितनी भग रही है एक्चुअली में। तो यार फ्यूल अप हो चुका हमारी H2 पर। ये विसल की साउंड सुन रहे हो Boys, finally, हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून H2 को लेकर के UK जो बोला था गाइस करके दिखा दिया सच्ची में। I'm super happy भाई and thank you so much to everyone who believed in me। देखो यार ये गाड़ियाँ बनना ना हमारे हाथ पे नहीं था, है ना, तो जब ये गाड़ियाँ बनती तो हम लेके आ जाते, बट द थिंग वॉज ये गाड़ियाँ बनी नहीं रही थी एंड अभी तो एक धमाका और है गाइस। अच्छा क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया। जिस भी दिन गाइस नई H2 लॉन्च होगी ना इंडिया में, बाबू भैया सबसे पहले नई H2 लेकर के आएंगे, ये मेरी गारंटी ले लेना। जब भी नया मॉडल लॉन्च होगा ना गाइस 2023-2024 इंडिया में, तो हम गोना गेट द न्यू H2 ASAP एंड अब तो वो कावासाकी के थ्रू ही आएगी, बट अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, 6 महीने पड़े, 8 महीने पड़े, 1 साल पड़े, चाहे जितना भी लेट आए, हमारी नई कावासाकी H2 तो आएगी आएगी। एंड गाइस सबसे बड़ा पार्ट ना कर्मा प्ले कर रहा है, पता है आपको, लोगों को ना लोगों का कर्मा मिल रहा है बहुत हार्डकोर, क्योंकि जिन्हें पता है उन्हें पता है मैं इस कम्युनिटी में ना केवल अपना काम कर रहा हूँ फुल पावर से, मुझे बस अपने कंटेंट से मतलब है। ना ही मैंने किसी को आज तक एक्सपोज किया, ना मैंने किसी से कोई फड्डा करा, मैं अपना काम स्टार्टिंग से कर रहा था गाइस और आज भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द सपोर्ट एंड लव जो हमारा है ना, हमारे परिवार का है, मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, इंडिया में कोई भी और यूट्यूबर लेके आ जाओ उसका नहीं है कि जितनी स्ट्रॉन्ग मेरी जनता है ना परिवार है भाई, सुनती है एक पॉइंट पे कि भाई क्या बोल रहा है लड़का। एंड मुझे ना आप सब लोगों से उतना ही प्यार है जितना मेरे से करते हो। सबसे गाइस लास्ट एक साल में इतना पलट चुकी है ना जिंदगी, इतनी पलट कि जो कभी मैंने इमेजिन भी नहीं करी थी, कहाँ से शुरू करा था एंड कहाँ तक हम लोग आ गए, आई नेवर थॉट यहाँ तक हम लोग कभी पहुँच पाएंगे। थैंक यू सो मच जिंदगी बुलाने के लिए। एंड अभी तो हम लोग गाइस H2 की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसे ऐसी खतरा H2 बनाएंगे ना, ओनली वन इन इंडिया गाइस। तारिया दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद, जदों आऊगी ता पता लगूगा, तेरे नाल लाड़े नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा, जदों विसूगा ता पता लगूगा, तेरे नाल लाड़े नी तू लाउण वाली ए दिल।